मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरे सूबे में पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। म्यांमार से सटे इस राज्य में हिंसा को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आज अमित शाह के मणिपुर दौरे का चौथा और आखिरी दिन है। 4 दिन तक सूबे में रहे गृह मंत्री शाह ने विवाद को खत्म करने की कोशिश की। दौरे के आखिरी दिन अमित शाह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग जांच करेगा। मणिपुर में अगले 2 से 3 दिन के अंदर रेल सेवा भी बहाल की जाएगी। भारत सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा और ये जांच भारत सरकार की ओर से कराई जाएगी। भारत सरकार मणिपुर के गवर्नर साहिबा की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन करेगी जिसमें सभी का समावेश होगा, उद्योगपति भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि भी होंगे और अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी सभी प्रकार के होंगे। वहीं अमित शाह ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जिनके पास लूटे गए हथियार हैं वो जमा कर दें। कल से पुलिस बॉम्बिंग शुरू करेगी और जिसके पास हथियार मिले उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जिन लोगों के पास हथियार हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। अमित शाह ने आगे कहा कि हिंसक घटनाओं की जांच के लिए मणिपुर में कई एजेंसियां काम कर रही हैं। साजिश की ओर इशारा करने वाली हिंसा की 6 घटनाओं की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच होगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि जांच निष्पक्ष हो और दोषियों को दंडित किया जाए। जितने भी केस रजिस्टर किए गए हैं इसमें से 5 केस चयनित किए गए हैं और 1 केस इन जनरल कॉन्स्पिरसी का रजिस्टर कर ये 6 केसों की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा जो भारत सरकार के तत्वाधान में किया जाएगा। साथ ही अमित शाह ने पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया जिसमें से 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। शाह ने लोगों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। बता दें कि मणिपुर में करीब 1 महीने पहले ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। दरअसल मैथी समुदाय के लोग जनजातीय आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसी के खिलाफ मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में ट्राइबल मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।